तो हमारे साथ जुड़ गए इस समय माधु सिंह जी गोरा, जो बाड़मेर बायतू से हैं। माधु सिंह जी, शुभ समय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जो कश्मीर के हालात हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। जी सर, मैं इस वर्तमान हालात के बारे में, कश्मीर के वर्तमान हालात के बारे में बताना चाहूंगा। जी, इसमें साफ तौर पर यह है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडो जो है मुरहान वानी के मुठभेड़ में जो मारे गए, जिससे ये जो घटना सामने आई है, उस घटना के बाद पूरा कश्मीर आग उबल की तरह उबल रहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मतलब वहाँ के समाज को शांत करने के लिए केंद्र और विश्व की आतंक की चिंता न करके केंद्र सरकार को उस कश्मीर और कश्मीर राज्य के बारे में कुछ अच्छा कदम उठाए, ताकि उसमें इन सब जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। केंद्र को वहाँ सर्वदलीय बैठक का प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए, और उसके लिए जो सुझाव है और सुझाव आए उसके तत्काल बाद उसको कार्रवाई को अमल में लानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप के स्टूडियो में जुड़ने के लिए और आपके बात करने के लिए। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर, एंटीक, कुंदन, डायमंड, राजस्थानी, रजवाड़ी, ब्राइडल कलेक्शन का अक्षय खजाना। मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर शोरूम, नियर बैंक ऑफ इंडिया, जवेरी बाजार, मुंबई 2। आप बोल रहा हूँ मैं, प्रभु सिंह जी हमारे शुभ समय के संवाददाता है और चांदूर बाजार से वो हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके। प्रभु सिंह जी, शुभ समय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, जो ये मूवी चल रही है, ये जो मूवी चल रही है, बहुत ही आपके बहुत ही शानदार है। इसकी दिल सभी देशवासियों को मिलकर आगे आना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए। और जो अभी स्थिति बनी हुई है कश्मीर में, बहुत ही चिंताजनक है। पिछले 2 दिनों से हमारे सैनिकों को परेशानी भी हो रही है और सरकार को भी इस बारे में बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए। बहुत ही जिस तरह से कश्मीर में ये पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं, हमारे सैनिकों को एक बाहर के आतंकवादी से भी लड़ना पड़ता है और घर में भी जो आतंकवादी बैठे हैं उनसे भी लड़ना पड़ता है, और इसके लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और अपने रूल्स में कुछ चेंज करके कुछ वहाँ की स्थिति को सामान्य कर देने की बहुत ही सख्त जरूरत है अभी। जी जी जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम हिंदुस्तान के आम आवाम को, हिंदुस्तान के आम जनता को जो क्या सोचती है देश के प्रति, कश्मीर के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हुए हैं। शुभ समय न्यूज चैनल इसके लिए सदैव खुला रहेगा, पूरे देश के 125 करोड़ देशवासियों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें निरंतर हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने विपक्ष के नेताओं से कहा है कि एक स्वर में बात करें, एक स्वर में कश्मीर के लिए बोले, ये भारत के हित में रहेगा और राजनीतिक घटनाक्रम भी वहाँ जल्दी से होना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो। मौतें किसी की भी हो, आखिर मौत होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि आतंकवाद को सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, ये भी दूसरा पहलू है। और जिस तरह से सेना मुस्तैदी से कोशिश कर रही है, वहीं पर प्रदर्शनकारी जो उग्रवादी और जिनको कहते हैं अलगाववादी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अलगाववादी नहीं, आतंकवाद का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी होता है, लेकिन वो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की फिजा में रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की आत्मा है। तो हम सब मिलकर के कश्मीर को कैसे घाटी में शांति लाए, शांति बहाल की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन देश के कई ऐसे लोग हैं, देश के कई ऐसे राजनेता हैं जो ऐसी स्थिति में अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। ऐसे स्टेटमेंटों से उन राजनेताओं को भी बचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी बाद में है। हम समझ सकते हैं बहुत जल्दी ही वहां पर हालात सामान्य हो जाएंगे, और हम आज पूरे देश से, देशवासियों से, आम नागरिक से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी की जो हालात है वो कैसे सामान्य हो। आज कश्मीर घाटी आज लहूलुहान है, माँ भारती का ये मुकुट है, और ये माँ भारती का मुकुट को जब दर्द होता है तो पूरे देश को दर्द होता है। ये तो पक्का है, निश्चित है कि हिंदुस्तान की 125, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी कश्मीर को अपना मुकुट जानते हैं, मुकुट समझते हैं, मुकुट मानते हैं। तो किसी कीमत पर अलगाववादियों की मुहिम पूरी नहीं हो सकती। तो इस समय हमारे साथ में करुणा जी कोठारी जुड़ चुकी है, वो अखिल भारतीय कन्या मंडल राष्ट्रीय सह प्रभारी है और वुमन केयर फाउंडेशन की अध्यक्षा है। वो वसई
थाने से जुड़ चुकी है। करुणा जी, शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, हमारा आज का विषय यही है कि कश्मीर के हालात पर देश की वेदना, क्योंकि कश्मीर भारत का एक मुकुट है। पूरा देश 125 करोड़ देशवासी ये जानते हैं और ये आत्मसात करते हैं और ये हमारा ही अंग है, और जहां हमारे अंग को कहीं तकलीफ होती है तो वेदना शरीर को होती है, जैसे जैसे देश को भी होती है। आप एक महिला होने के नाते ये जो वेदना है किस तरह से महसूस करती है और इस हालात को कैसे ठीक किया जा सकता है? स्वागत है आपका। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कश्मीर का नाम पेपर में नहीं देखा हो फ्रंट पेज पर। कश्मीर बहुत खूबसूरत शहर है, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने भी ठीक नहीं कोई हमला बनाने, लेकिन वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। वहाँ पे मानवीयता इतनी भरी हुई है जितनी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भरी हुई है। लेकिन जब आतंकवादी हमले करते हैं, चाहे वो किसी का भी घर हो, लेकिन दर्द हर भारतीय को होता है। जैसे ही दर्द का ऐसा समय भी हो रहा है, वर्षों से हो रहा है कि हम क्यों आतंकवाद एकदम सशस्त्र रूप से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कि हमारे अपने ही आतंकवादी बनकर हमें ही मार रहे हैं। आज हालात बहुत बुरे हो गए, कश्मीर के हालात भी देखती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आतंकवादियों ने आज फिर हमारे कुछ भाई बहनों को मार दिया। जी जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि फिर से हम उस संत को याद कर रहे हैं, आचार्य तुलसी, जिन्होंने 1949 में एक आचार संहिता, जिसको अनुव्रत आंदोलन की बात कर रहे थे, कि अनुव्रत आंदोलन अगर उस समय से प्रतिष्ठापित हो गया होता देश में, उस समय देश के हालात ये थे कि देश बट रहा था और पूरे अराजकता फैली हुई थी, ऐसे समय में आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का शुभारंभ किया था जो आज भी समसामयिक है, तो क्या नहीं, क्या लगता है कि निश्चित रूप से इस देश को अनुव्रत आंदोलन की जरूरत है? हाँ, आचार्य तुलसी ने जब अनुव्रत की शुरुआत की थी तो उन्होंने किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं की थी, उन्होंने समाज विहीन एक धर्म से अलग एक ऐसे नियम उन्होंने बनाए थे। छोटे छोटे से नियम है जो हम हमारे जीवन में कभी भी अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह बहुत कठिन है या आपको उस पर संकल्प लेने के लिए देने होना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। आप इंसान है तो आप अनुगति हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी भाषा में जो 11 नियम बताए हैं, सबसे पहला नियम ही यही कहता है कि मैं किसी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। भारतीय, मैं समझ रहा हूँ, भारतीय संस्कृति की भी हमेशा ये विधा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, और जी और जीने दो। उसके बावजूद देश के हालात पूरे विश्व के हालात है, लेकिन भारत को टारगेट बनाया जा रहा है, कश्मीर को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। तो आम हिंदुस्तान का व्यक्ति, आम एक हिंदुस्तान का जो रहने वाला जो आवाम है, वो क्या सोचती है? मैं आपको 2 लाइन में सुनना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आवाम शांति चाहती है, उसमें कभी भी ये नहीं चाहे कि दंगे हो, फसाद हो या आतंकवाद को बढ़ावा मिले। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश ही रहा है, अतिथि देवो भव भी हमने माना है। हमसे यही एक कमजोरी है कि हम अतिथि देवो भव मानते हैं और तब हमारे घाट लगा के हमला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बात करते हैं अतिथि देवो भव की, वसुधैव कुटुंबकम की, जी और जीने दो, अहिंसा की बात करते हैं, तो उस अहिंसा को शायद उन्होंने कायरता में लिया कि ये कायर है, जबकि अहिंसा में कायर नहीं बनाती है, अहिंसा में शक्ति देती है। जी, सामने वाले लोग ये समझते हैं कि हम अहिंसा के तो हम कायर है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसका अहिंसक वही हो सकता है जिसका मनोबल मजबूत हो। बिना मनोबल मजबूत आप अहिंसक बन ही नहीं सकते, और जिसका मनोबल मजबूत है उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि मनोबल जिसका टूट जाता है वो ही इस तरह की जो है गतिविधियां करता है, देश को अपने ही देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए सोचता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। और भारत एक दूसरे के अंग है, कश्मीर हमारा मुकुट है, यही कहा जाता है कश्मीर केसर की क्यारी है, कश्मीर हमारा स्वर्ग है, और वहां का नुकसान भारत का नुकसान है, और भारत का नुकसान एक तरह से विश्व का नुकसान है। बहुत बड़ी बात की, हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। शुभ समय न्यूज चैनल आपकी विचारधाराओं के साथ है कि आचार्य तुलसी का अनुव्रत आंदोलन है वो केवल भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जाए, पाकिस्तान के उन बच्चों में जाए, उस आवाम में भी जाए कि सही जीवन जीने का तरीका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर, एंटी कुंदन डायमंड, राजस्थानी रजवाड़ी, ब्राइडल कलेक्शन का अक्षय खजाना, मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर शोरूम, नियर बैंक ऑफ इंडिया, जवेरी बाजार, मुंबई 2।